नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये पेज नंबर 6 पे भी हो सकता है और पेज नंबर 8 पे भी हो सकता है, 9 पे भी हो सकता है, ठीक है। देख लेना अपनी बुक्स में कि तुम्हारी बुक्स में किसके साथ है, क्योंकि किसी की न्यू बुक्स है किसी की ओल्ड बुक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें हो जाता है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। देखो किसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसको किसमें लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अब देखो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, किसकी होगी, आयरन की, ठीक है। उसके बाद कॉटन, चॉक, वाटर, हनी, चिमनी और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज और एयर किसकी होगी, चॉक की होगी, 2 नंबर पे, ठीक है। फिर किसकी होगी, देखो वाटर, अब हमें क्या दिख रहा है, कॉटन को अभी छोड़ देते हैं, कॉटन को अभी छोड़ देते हैं, वाटर और हनी, क्योंकि एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी और एयर दोनों गैस इस फॉर्म है, तो हनी और वाटर में ठीक कौन होता है, हनी होता है। तो थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, हनी आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे ऑब्वियसली वाटर आ जाएगा। फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, देखो एयर हमारे अराउंड हमारे घूम रही है, एयर है, लेकिन जो एग्जॉस्ट निकलती है चिमनी से वो क्या होती है, उसमें कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो ये जाएगी हमारे फोर्थ नंबर पे और एयर आ जाएगी फिफ्थ नंबर पे। अब कॉटन का क्या करें, देखो कॉटन में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो स्पेस इन बिटवीन ज्यादा होता है, और डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई, कॉटन की या फिर वाटर की, ज्यादा डेंसिटी किसकी हो जाएगी, हमारी वाटर की हो जाएगी, मतलब वाटर भी इससे ज्यादा डेंसिटी का होता है, ठीक है। और हनी तो वाटर से भी ज्यादा डेंसिटी का है, ठीक है। तो उसको लगाएंगे अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, सबसे कम डेंसिटी किसकी है, एयर की, क्योंकि सबसे बाद में कौन आया है, एयर आया है, एयर। उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा हमारा, अभी बताया है कि वाटर की डेंसिटी कॉटन से ज्यादा होती है तो क्या जाएगा, कॉटन आ जाएगा। उसके बाद वाटर आ जाएगा, उसके बाद हनी, कौन बचता है, हनी, इसके बाद चौक और आयरन, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, एयर की सबसे कम डेंसिटी, उससे ज्यादा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज की, उससे ज्यादा कॉटन की, वाटर। देखो कॉटन एक सॉलिड चीज है लेकिन उसको कंप्रेस करके हम बहुत छोटा भी कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ये वाटर से पहले आया है, ठीक है। उसके बाद कॉटन की डेंसिटी होती है, उससे ज्यादा डेंसिटी वाटर की, उससे ज्यादा हनी की, उससे ज्यादा हमारी चौक की, क्योंकि चौक तो हमारा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, उसके बाद आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा लेंदी है बट इन दी नेक्स्ट वीडियो।